हेलो एवरीवन, मैं धीरज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर। आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट थ्री। यानी कि अगर इससे पहले की हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने बात की थी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के ऊपर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें, या फिर नंबर ऑफ सर्कल्स की हम लोगों ने बात की। आज यहाँ पर हम लोग इन्हीं आकृतियों पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, यानी कि इन आकृतियों पर आधारित आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, यानी कि अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें तो हमने कहा हम उन्हीं क्या करेंगे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके यहाँ पे आकृतियों में पूछे गए जो भी आपके यहाँ पे फिगर्स होंगे, चाहे वो त्रिभुज हो या फिर वर्ग हो या फिर आयत हो, जो भी आपसे आकृतियाँ पूछी गई उनकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गणना करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके जो अभी तक हम लोगों ने सीखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए इस आकृति की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आसानी से ओरली आप यहाँ पे काउंट कर सकते थे, यानी कि जितने पे मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर अभी चला रहा हूं, इस आकृति की यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिए ये चार भागों में विभाजित है और हमें पता है यहाँ पे क्या करना होता है, हमें दो से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि इस आकृति से हमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, तो इस आकृति से हमें मिल जाएंगे आठ त्रिभुज। अब हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, अब हम इस वाली आकृति की बात कर लेते हैं, यानी कि इतने एरिया की हम बात कर लेते हैं, क्लियर। तो हमें पता है यहाँ पे कितना हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, एक और दो को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज मिल जाएगा, दो और तीन को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, पांच त्रिभुज मिल जाएंगे। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, पांच त्रिभुज मिल जाएंगे। यानी कि हम इस आकृति की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, पांच त्रिभुज मिल जाएंगे। यानी कि ए बी सी आपको सेपरेट मिल जाएंगे, फिर ए और बी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज, और बी और सी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज। तो यानी कि इस एरिया से भी हमें कितने त्रिभुज मिल गए, पांच। तो अभी तक हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। इसके अलावा अभी तक जो बचा हुआ है वो कौन सा है, तो ध्यान दीजिए एक तो ये वाला त्रिभुज, क्लियर। और एक अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों आकृतियों को मिला करके, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास दो और त्रिभुज हो जाएंगे। और अगर हम बात करें दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या की तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब इसको आप ओरली कैसे कर सकते थे, तो ध्यान दीजिए हमें पता है इस बड़ी वाली आकृति में कितने मिलेंगे, हमें मिलेंगे 4 × 8 त्रिभुज। फिर अगर हम बात करें इस आकृति में, तो इस आकृति में एक यहाँ पे अगर हम बात करें इस आकृति में तो हमें कितने मिल जाएंगे, पांच मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के हमें यहाँ पे दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि एक आकृति में अगर हमें पांच मिले तो दो आकृतियों में कितने मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। तो 10 और 8 18, तो ये हो गया। 18 के बाद आप देख सकते थे कि एक त्रिभुज आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 19 और एक, इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो त्रिभुज बनेगा जो कि क्या हो जाएगा, 20। तो इस प्रकार देख के आप आसानी से यहाँ पे उत्तर निकाल सकते थे, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें आंसर की तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर पूछे गए प्रश्न के लिए। चलिए अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ध्यान दीजिए इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में हमें पता है कितने स्क्वायर हो जाएंगे, इस एरिया में हो जाएंगे 20। फिर अगर मैं बात करूं इस एरिया की तो इस एरिया में हमें पता है कितने हो जाएंगे, 5। इन द सेम वे इस एरिया में हो जाएंगे 5। तो 20 + 10 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 30। एक ये बच गया 31 और एक, इन दोनों को मिलाकर के स्क्वायर मिलेगा 32। आप इसका आंसर आसानी से मार्क कर सकते थे, क्लियर। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन को नहीं अटेंड किया है वो पहले जाकर के प्रीवियस सेशन को जरूर देखेंगे, तो यहाँ पे उनसे भी क्वेश्चंस ओरली बनने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए फिर से, जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन को अभी तक नहीं देखा है उनके लिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3, क्लियर।
तो जब हमने कहा था कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपके इक्वल नहीं होंगे, तो क्या करना था, सबसे बड़े नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर देना था सबसे बड़े नंबर ऑफ कॉलम से। तो इस प्रकार 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 18, और यहाँ पे 1 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 इस प्रकार मिल गए। अब जो रिमेनिंग एरियाज हमारे पास रह गए यानी कि इस एरिया की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे 1 2 1 2 यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे, तो क्या कर देना था, सबसे बड़ी वाली संख्या से स्टार्ट करना था और 1 तक हमें क्या करते जाना था, नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ देना था। तो 4 और 1 5, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। तो 20 में 5 यहाँ से मिल गए, 5 यहाँ से मिल गए, कितने हो गए, 30 हो गए, और 1 ये आपका बच गया 31। और अगर हम बात करें तो इन दो को मिला करके यानी कि इन एरिया को मिला करके एक और स्क्वायर बनेगा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की तो कितने हो जाएंगे, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे अगले पूछी गई आकृति की। अगली यदि मैं आकृति की बात करूं, यहाँ पे त्रिभुजों की नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो ध्यान दीजिए इस प्रकार की आकृति पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए थे। तो यहां पे हमें पता है कितने मिल जाएंगे, 5, और इस एरिया से हमें मिल जाएंगे 5, लेकिन जब हम दोबारा से यहाँ पे बनाएंगे तो मिलेंगे तो हमें 5, लेकिन एक क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और पुनः जब हम यहां से बनाएंगे तो हमें मिलेंगे 5, लेकिन ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 15 मिले, लेकिन 2 आपके यहाँ पे कॉमन एरिया हो गए, तो कितने हो गए यहाँ तक, 13। 13 के बाद 1 आपका ये वाला, देखिए 13 के बाद 1 ये वाला हो गया और 1 ये वाला हो गया, तो 13 + 2 कितने हो गए, 15, और 1 आपका हो गया ये कंप्लीट फिगर, एक हो गया आपका ये कंप्लीट फिगर, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की तो कितने हो जाएंगे, 16। अब इसको बनाने के आपके पास मल्टीपल अप्रोच है, इसको आप दूसरे तरह से भी बना सकते थे, यानी कि आप बड़ी वाली आकृति को केवल अगर आप इसको कंसीडर करें पहले, देखिए तो हमें पता है इस एरिया में कितने मिल जाएंगे, 5, इस एरिया में मिल जाएंगे 5, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इन एरियाज में तो इन एरिया में मिल जाएंगे कितने, 13, तो टोटल तो यहाँ पे हो जा रहे हैं कितने, 18। लेकिन अगर आप ध्यान दें जब इन एरिया को आप लोगों ने अलग अलग काउंट किया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किस एरिया की, इस एरिया की, यहाँ से आपने 5 निकाले, यहाँ से आपने 5 निकाले, लेकिन 2 कॉमन होने के कारण क्या किया था आपने, 1 और 2 इसको माइनस कर दिया था। तो ध्यान दीजिए जब हम इन एरियाज को काउंटिंग में ले रहे हैं तो ये वाला एरिया है जो कि फर्स्ट 5 में आपका ऑलरेडी क्या किया जा चुका है, काउंट किया जा चुका है, इन 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी वैल्यू अगेन कितनी मिल जाएगी आपको, 16 मिल जाएगी। क्लियर, तो करना कुछ नहीं था, आपके पास मल्टीपल अप्रोच है, अगर आप सबसे बड़े वाले को पहले क्या करते हैं कंसिडर करते हैं, उसमें 5 मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए जब छोटे वाले की काउंटिंग आप अलग से करेंगे तो आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप इन एरियाज के साथ में जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे 13, उसके बाद आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अलग से जोड़ना पड़ेगा, तो 13 + 2 कितने हो जाएंगे, 15, और एक बड़ा वाला हो जाएगा 16। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। ये भी आपका काफी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 3:4 के यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रोज और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, 3 रोज दिखाई दे रहे हैं यहां तक की आकृति में। तो यहां तक की आकृति की अगर हम बात करें तो हमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे, वर्गों की संख्या में मिल जाएगी 20। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस बचे वाले एरिया की तो यहाँ पे हमें पता है वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 5, और 1 ये हो जाएगा आपका इन दोनों को मिला करके वर्ग यानी कि +1। क्लियर, तो 6 वहां मिल गए, 20 यहां मिल गया और 1 आपका ये वाला। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां पे वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगले पूछे गए प्रश्न की। यदि मैं यहां पे अगले प्रश्न की बात करूं तो यहां पे आपसे पूछा है त्रिभुजों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसा नहीं कि आपके पास 80-90 आपको ट्रायंगल्स निकालने हैं, 80-90 आपको क्या निकालने हैं, स्क्वायर्स निकालने हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे बेसिकली आपके 25, 30, 35 इस प्रकार, इससे ज्यादा आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, अप्रोच आपको पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा आपको आकृति नहीं होगा कि वहां पे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना लग रहा हो, बिल्कुल टिपिकल था वो, आपको गिन गिन के निकालना है। तो आपने जो अभी तक पढ़ा है ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे भी करना कुछ नहीं था आपको, इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1, कितने हो गए 4, ये वाला एक अगर हम बात करें तो कितने हो गए 5। यानी कि सेपरेट सेपरेट हम देखें तो 5 हमको ट्रायंगल तो ऐसे मिल गए। अब हम आकृतियों को मिला करके देखेंगे तो ध्यान दीजिए, एक इन दोनों को मिला करके लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसके अलावा मैं बात करूं तो एक इन तीनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि यहां पर अगर हम विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा दी गई आकृति के लिए। क्लियर। यानी कि पूछे गए आकृति में कितने आपके त्रिभुज बन रहे हैं, एक हमने मिस कर दिया, फिर से गिन लेते हैं। चलिए 1, 2 इन दोनों को मिला दिए तो 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, फिर उसके बाद इसको मिला दिए तो 6, इसको मिला दिए तो 7। करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 7। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगली पूछी गई आकृति की। यहां पे आपको बताना है नंबर ऑफ सर्कल्स यानी कि सर्कल्स कितने हैं। तो सर्कल्स की बात करें तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि यहां पे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर देखो एक तरीका तो ये बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स बीच में कितने हो गए, 3। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सटे सटे से सर्कल है, तो इस प्रकार से काउंट कर पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो देखो 3 तो यहाँ पे मिल गया, फिर अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, इन द सेम वे 2 आपको नीचे मिल गए, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 2 ये मिल गए 13 और 2 ये मिल गए 15। यानी कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ सर्कल्स की बात करूँ तो कितने हो गए 15, जिसको आप आसानी से काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिए बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं 3 सर्कल, ये वाले, अब आप किसी भी एक साइड के गिन लीजिए, जितना इस साइड होगा उतना ही आपको इस साइड भी देखने को मिल रहा। तो हमें पता है एक साइड में कितने यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, तो 3 और 3, 6, यानी कि एक साइड में 6 तो दूसरे साइड में भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 12 और 3 आप देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि जितना इस साइड होगा उतना ही उस साइड भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बात कर लेते हैं हम अगली यहाँ पे पूछी गई आकृति के बारे में, यानी कि यहाँ पे भी आपसे पूछा है दी गई आकृति में वृत्त की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 और 1, ये 16 और 1, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। करना कुछ नहीं था, आसानी से आप गिन सकते थे एक साइड, यानी कि इधर आपके पास जितने होंगे तो देखो यहाँ पे हो गए 3, इन द सेम वे यहाँ पे हो गए 3, तो 6 इधर हो गए तो 6 इधर भी मिल जाएंगे, 12। इसमें छूट कौन सा रहा था, ये वाला, तो 13 और 1, 14, और बीच में ये हो गए 3, तो 17। कैसे भी करके आप इसको आसानी से गिन सकते हैं। चलिए अगली आकृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ सर्कल्स बताना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहां से स्टार्ट की अगर हम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां तक कितने हो गए 14। फिर यहां से बात करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 7, उसके बाद एक तो आपका हो गया ये वाला,
और एक हो गया आपका ये बाहर वाला, क्लियर, यानी कि प्लस टू। तो 21 प्लस दो करोगे तो 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हम लोग यहां पे अगली पूछी गई आकृति के बारे में। यहां पे आपसे पूछा है, पूछी गई दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो करना कुछ नहीं है। देखिए ये हमने सीखा है, इस एरिया में हमें कितने मिल जाएंगे, एक और दो को मिलाओगे तो तीन। इस एरिया की बात करें तो एक और दो को मिलाओगे तो तीन, यानी कि यहाँ पे मिल गए छः। छः के बाद एक यहाँ से मिल जाएगा सात, एक यहाँ से मिल जाएगा आठ, आठ के बाद चार यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि नौ, दस, ग्यारह, बारह, फिर दो ये मिल गए, 13 और ये 14। और यहां पे कोई आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये हो गया 15 और एक त्रिभुज ये हो गया 16। तो यहां पे जरूरी नहीं कि आप ड्रॉ करें इसको, आप देखकर भी आसानी से काउंट कर सकते हैं, यहां पे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं तो सिंपली यहां पे हमें पता है मिल जाएंगे कितने, तीन, यहाँ पे मिल जाएंगे कितने, तीन, यानी कि तीन तीन कितने हो गए, छः। छः के बाद देखिए ये हो गया सात, ये हो गया आठ, फिर नौ, दस, ग्यारह, बारह, 13, 14, 14। तो आप बिल्कुल देख करके गिन सकते थे ओरली। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाले एरिया की, तो एक अगर इधर बन रहा है तो एक इधर भी बनेगा, यानी कि कितना और ऐड कर देना था अपने को, दो, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा, 16। क्लियर, तीन तीन छः, चार दस, दो 12, दो 14 और ये दो बड़े वाले 16। चलिए बात कर लेते हैं अगली पूछी गई आकृति के बारे में। अगले यदि मैं आकृति की बात करूं तो जितना आपका इस एरिया में होगा उतना ही आपके ऊपर वाले एरिया में भी बनेगा। क्लियर, तो इस एरिया की बात करूं तो चार भागों में है, तो मैंने बताया था यहां पे अपने को सिंपली क्या कर देना था, मल्टीप्लाइड बाई टू, यानी कि इस एरिया से मिल गए आठ तो यहां से मिल जाएंगे आठ, और इन दोनों के एरिया को अगर हम मिला दें तो कहीं भी आपको कॉमन कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन दोनों एरिया को अगर हम मिलाएं तो कहीं भी कोई आपको कॉमन, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से कोई अतिरिक्त आपके त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो अतिरिक्त आपके त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं अगली पूछी गई आकृति के बारे में। अगली आकृति की बात करें तो देखो इस एरिया से मिल जाएंगे कितने, तीन, इस एरिया से मिल जाएंगे अपने को तीन, एक और दो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो तीन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपका ये हो जाएगा चार और एक आपका ये हो जाएगा पांच। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे त्रिभुज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें उत्तर की तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे आपके केवल और केवल पांच त्रिभुज ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, यहां पे पांच के अतिरिक्त आपको कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान दीजिए ये वाला हो जाएगा एक, ये वाला हो जाएगा दो, और बीच की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तीन प्लस दो करोगे तो पांच। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे अगली दी गई आकृति की। अगली यदि हम आकृति की बात करें तो देखिए इस एरिया से हमें मिल जाएंगे तीन, चार, पांच, छ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सात, इसको मिला दिए तो आठ, इन दोनों को मिला दिए तो नौ, और अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज आपका ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है 10। यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आसानी से आप गिन सकते हैं। देखिए तीन तो यहां पे मिल जाएंगे, तीन के बाद ये हो गया चार, ये हो गया पांच, ये हो गया छह। फिर हमें पता था इस पूरी बड़ी वाली आकृति से हमें कितने मिल जाएंगे,
तीन त्रिभुज हमें मिल जाएंगे, एक और दो निकालोगे तो तीन हो जाएंगे, तो 6 + 3 करोगे तो 9, और एक आपके त्रिभुज का निर्माण ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 9 × 1 = 10। यानी कि बिल्कुल इजी से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने, जिसको आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब ये क्वेश्चन आप देख के बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बताओ। यहाँ पे मिल गए 3, फिर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, 13 आंसर मार दिया। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने वाला इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में, और ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। मैं SSC CHSL के आए हुए क्वेश्चंस की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा आपको टिपिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। और ना केवल हम SSC CHSL के एग्जाम की बात करें, चाहे आप CGL की बात करें, आप रेलवे का एग्जाम उठा लें, किसी आप स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आकृतियां नहीं देखने को मिलती। कुछ ही ऐसे शिफ्ट होते हैं, अगर आपकी किस्मत खराब है तो हो सकता है आपको मिल जाए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कोई आपको फिगर देखने को मिल जाए, अदरवाइज आपको बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे हैं उन्हीं का यूज करके आप आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए यहां पे भी अगर मैं बात करूं, बताओ ओरली गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? 3 मिल जाएगा इस एरिया से, फिर 3 × 3 = 6, 3 × 9, 9 × 3 = 12 और 1 = 13। बिल्कुल ओरली इस प्रकार की आकृतियों में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना ओरली सिखाया था। क्या करना था, जितने यहाँ पे पार्ट हैं, यानी कि यहाँ पे मिलेंगे 3, इस वाले में मिल जाएंगे हमें कितने 3, इस वाले में मिल जाएंगे 3 और इस वाले में मिल जाएंगे 3, तो यहाँ तक तो हो गए 12। इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल एक त्रिभुज बनेगा, तो कितने हो गए 13, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पे बोला हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी कि अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताना है। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। तो जब कभी भी हम स्ट्रेट लाइन गिनेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कौन कौन सी लाइनें गिननी है। एक तो आप गिनेंगे वर्टिकल लाइन, दूसरी अगर हम बात करें तो आप गिनेंगे डायगोनल लाइन, तीसरी अगर हम बात करें तो आप गिनेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? यानी कि आप क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन गिनेंगे, फिर एक आप तिरछी रेखाओं को गिनेंगे और एक आप क्षैतिज रेखाओं को गिनेंगे। यानी कि इस प्रकार की तीन रेखाओं को आप अलग अलग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। क्लियर? तो एक हो गई आपकी क्षैतिज रेखा, एक हो गई आपकी तिरछी रेखा और एक हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर या खड़ी खड़ी लाइनें जो हो गई उसको आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे अलग अलग। क्लियर? और आसानी से आकृति आपकी कैसी भी हो आप उसको चुटकियों में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टिकल लाइंस की, यानी कि खड़ी रेखाओं की या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं की, तो यहाँ पे खड़ी रेखाएं कितनी दिखाई दे रही है आपको, 1, 2, 3, इसको आपको अलग लिख लेना है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें यहाँ पे डायगोनल्स की, तो ध्यान दीजिए 1, 2 डायगोनल्स अगर इस प्रकार की रेखाएं, तो इसको आप अलग काउंट कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, या फिर आप कंबाइंड रूप से भी इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यहां पर अगर आप गिनेंगे इस प्रकार की रेखाओं को, तो 1 और 2 और ये 3, और जब इस प्रकार की रेखाओं को आप गिनेंगे तो देखो 1, 2 और 3। यानी कि अगर हम बात करें डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स कितने हैं यहां पर आपके पास, 6। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि क्षैतिज रेखाओं की, तो क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 1, 2, 3, यानी कि 3। यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइनों की कुल संख्या कितनी है, 12, और आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए करना क्या है आपको, एक और बात यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे, जब सरल रेखाओं की बात करेगा या सीधी रेखाओं की बात करेगा, तो मान लीजिए हम यहां से यहां तक का नहीं, जो सबसे बड़ी यानी कि रेखा होगी, रेखा की जो सबसे अधिकतम दूरी होगी स्ट्रेट लाइन की, उसको हमें कंसीडर करना है। अब यानी कि यहां से यहां तक अलग रेखा हो गई, यहां से यहां तक अलग रेखा हो गई, ऐसा नहीं करना है। अब ये वाला नहीं कि ये अलग लाइन हो गई फिर ये अलग लाइन हो गई फिर ये अलग लाइन, नहीं, जो अधिकतम दूरी होगी स्ट्रेट लाइन की हमें वो कंसीडर करना है, अलग अलग कंसीडर करके नहीं चलना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर?
तो करना क्या था अपने को, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन को अलग काउंट कर लिया, तो वर्टिकल लाइन कितनी हो गई, तीन। फिर हमने क्या किया, डायगोनल यानी कि तिरछी रेखाओं को काउंट कर लिया, तो एक दो तीन चार पांच छह। फिर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखाओं को हमने अलग काउंट कर लिया, तो एक दो तीन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहां पे, अगर हम बात करें सरल रेखाओं की या स्ट्रेट लाइंस की, संख्या कितनी है इस आकृति में, तो कितनी हो जाएगी, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम यहां पे अगली आकृति की। अगली यदि मैं आकृति की बात करूं, तो देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले हम लोग यहां पे हमारे पास होगी वर्टिकल लाइंस, डायगोनल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं या खड़ी लाइन, फिर तिरछी रेखाएं, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्षैतिज रेखाएं। तो यहां पे आपको कोई भी तिरछी रेखाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस की, तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात हो गई आपकी वर्टिकल लाइंस। अब हम बात करेंगे यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात, यानी कि सात ही हो गए यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहाँ पे अगर हम बात करें सरल रेखाओं की संख्या की, तो कितनी हो जाएगी, 14, यानी कि इस आकृति को बनाने में आपके यहाँ पे 14 सरल रेखाएं क्या हुई हैं, इस्तेमाल हुई हैं, या फिर उनका हमने क्या किया है, यूज किया है। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगली आकृति की। इस आकृति की यदि हम बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितनी सरल रेखाओं का हम यहाँ पे दी गई आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। चलिए तो अगर हम बात करें, अपने को क्या करना था, वर्टिकल लाइंस, डायगोनल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाओं की या फिर खड़ी लाइनों की, फिर हम बात करेंगे तिरछी रेखाओं की, या फिर हम बात करेंगे क्षैतिज रेखाओं की। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी आपको वर्टिकल लाइन बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर। यानी कि वर्टिकल लाइन से यहाँ पे अपने को नहीं दिखाई दे रही, केवल और केवल तिरछी रेखाएं हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सबसे पहले हम तिरछी रेखाओं की बात करेंगे, तो देखिए कैसे काउंटिंग करना है आपको, एक दो तीन चार, यानी कि इस प्रकार की जो रेखाएं हैं उसको अलग हमने गिन लिया, तो मिल गई कितनी, चार, और यहाँ पे एक दो तीन चार, तो इस प्रकार की यानी कि रेखाओं की अगर हम बात करें, तो ये कितनी मिल गई हमें, चार। तो चार प्लस चार करोगे तो कितना हो गया, आठ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्षैतिज रेखाओं की, तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार, यानी कि यह भी कितनी मिल गई, चार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी सरल रेखाओं का हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया, या कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगली पूछी गई आकृति की, कि यहाँ पे सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही वर्टिकल लाइंस को अलग, डायगोनल्स को अलग और हॉरिजॉन्टल लाइंस को अलग, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, तिरछी रेखाओं को और क्षैतिज रेखाओं को अलग अलग क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस की, तो क्या करना है, देखो यहां से गिनना है, एक दो तीन चार पांच छ, कितनी मिल गई, छ। फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पे डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स को हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार की रेखाओं को अलग काउंट किया और इस प्रकार की रेखाओं को अलग काउंट किया। तो देखिए, एक दो तीन कितने मिल गए, तीन। अब हम बात करेंगे इन रेखाओं की, तो देखो एक दो तीन, तो ये भी कितने मिल गए, तीन। तो यहां पे हो गए कितने अभी तक रेखाओं की संख्या, 12। अब हम बात करेंगे क्षैतिज रेखाओं की, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पांच छ, यानी कि 12 प्लस 6 18। अगर हम यहाँ पे विकल्प की बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए, यानी कि इस आकृति को बनाने में हमें कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमें 18 सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी आकृति का निर्माण करने के लिए। क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की।
अब यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो आकृति आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इस आकृति को बनाने में कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइनों को अलग काउंट करेंगे, डायगोनल्स को अलग काउंट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइनों को क्या करेंगे, अलग काउंट करेंगे। यानी कि क्षैतिज रेखाओं को अलग, तिरछी रेखाओं को अलग और खड़ी या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अलग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे खड़ी लाइनों की या ऊर्ध्वाधर लाइनों की। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितने आ गए, 5। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तिरछी रेखाओं की, तो ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसी वाली लाइनें हमें कितनी मिल गई, 7। अब हम गिनेंगे इन लाइनों को, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हालांकि आपको गिनने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, और ये 4:4 का है, तो यहाँ पे अगर 5 है तो उधर भी आपको 5 ही मिलने वाला है। क्लियर? तो चलिए अभी तक अगर हम बात करें संख्या की तो कितने हो गए, 19। अब हम बात कर लेते हैं क्षैतिज रेखाओं की, तो जैसा कि मैंने कहा जब ये 4:4 का है तो यहाँ पे भी आपको 5 ही मिलने वाला है। हालांकि आप इसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो 19 और 5 कितना हो गया, 24। यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए हमें कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, तो इस आकृति को बनाने के लिए हमें 24 सरल रेखाओं की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर? चलिए कुछ अन्य आकृतियों की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, यानी कि उन आकृतियों को बनाने के लिए हमें कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल का अगर यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखिए जितने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, 2, यहाँ पे कितनी, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो कुल अगर हम रेखाओं की संख्या की बात करें अभी तक, तो हमें कितनी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो हमें दिखाई दे रही हैं 10 रेखाएं, 10 रेखाएं दिखाई दे रही। लेकिन एक अगर हम यहाँ पे रेखा की बात करें तो वह इसके साथ साथ इस वाले पॉइंट पे भी वो गिनी जा रही है। यानी कि हमें क्या कर देना था, सिंपली 10 को 2 से भाग दे देना था, तो यहाँ पे सरल रेखाओं की संख्या कितनी मिल जाएगी, हमें 5 मिल जाएगी। या अगर हम यहाँ पे काउंटिंग की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। और इन जनरल यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करते हैं, अगर एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे 6 दिया है तो आप बिना उसको प्रॉपर काउंटिंग करें सीधे सीधे आप 6 मार्क कर देते हैं एज आंसर, और क्या होता है माइनस मार्किंग के कारण इसके तो नंबर गए ही गए, साथ ही साथ 0.25 और आपका कट जाता है। यानी कि अगर हम बात करें 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर सीएसएल के एग्जाम की बात करें तो। चलिए अगर हम बात करें इन आकृतियों में सरल रेखाओं की संख्या की, तो बताना है सभी को दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, त्रिभुज है, तो यहाँ पे आप दोनों कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, 3 यहाँ पे मिल जाएगी और 3 सरल रेखाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पे मिल गया 2, यहाँ पे मिल गया 2, यहाँ पे मिल गया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 12। और क्या कर देना था अपने को, डिवाइडेड बाई 2 कर देना था, तो कितने आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी कि 6 सरल रेखाओं से हम इस आकृति का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और यदि अगली आकृति की बात करें तो आपको केवल और केवल यह 3 एडिशनल लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि इस आकृति में अगर हम बात करें सरल रेखाओं की संख्या की तो कितनी हो जाएगी, 9। क्लियर? तो ये तो हो गई बात किसकी, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, तो फिर अब चाहे आपसे प्रश्न पूछे ट्रायंगल पर बेस्ड, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं या त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे पूछे नंबर ऑफ स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे पूछे नंबर ऑफ रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आयतों की संख्या कितनी है, चाहे फिर आपसे सर्कल या फिर वृत्त की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे,
या फिर अगर हम पूछे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी कि सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, तो प्रश्न कैसा भी हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे एक इमेज आपका यानी कि एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और आप सभी को यहाँ पे प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से सीख लिया है तो आपको यहाँ पे पूछे गए प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। थोड़ा सा ये इसको मैं और प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए यदि मैं इस आकृति की बात करूं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। चलिए यदि मैं इस आकृति की बात करूं तो आप सभी को बताना है यहां पे वर्गों और आयतों की संख्या का अंतर। आप सभी को बताना है दी गई आकृति में वर्गों तथा आयतों की संख्या का अंतर कितना है, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। क्लियर। चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पे वर्गों और आयतों की संख्या का अंतर कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप यहाँ पे क्या गलती करेंगे या किस प्रकार की आप यहाँ पे गलती करते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए अपने को क्या कर लेना है, 1 + 2 + 3 + 4 इन सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10। फिर यहाँ पे 1 2 3 यानी सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6 × 6 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 60। यानी कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो कितना मिल गया, 60। अब अगर मैं यहां पे बात करूं इस 60 में कितनी ऐसी आकृतियां हैं जो कि क्या है, केवल वर्ग है। इस 60 में कितनी ऐसी आकृतियां हैं जो कि क्या है, केवल वर्ग है। तो ध्यान दीजिए 20 ऐसी आकृतियां होंगी जो कि क्या होंगी, केवल वर्ग होंगी यानी कि स्क्वायर्स होंगे। 20 तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स हो जाएंगे। और अगर हम बात करें 40 क्या हो जाएंगे, तो 40 यहाँ पे आकृतियां आपकी क्या हो जाएंगी, केवल रेक्टेंगल हो जाएंगे। क्लियर। 40 क्या हो जाएंगे, केवल रेक्टेंगल हो जाएंगे। और यदि मैंने पूछा यहाँ पे प्रश्न में कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का उत्तर क्या आने वाला है, 20। बहुत सारे बच्चों का उत्तर क्या जाने वाला है, 20। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो 20 आपके स्क्वायर है, ये जो आपके 20 क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके स्क्वायर होने के साथ साथ रेक्ट एंगल भी हैं। और जब हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो वहां पे मैंने आपको बताया था एवरी स्क्वायर कैन बी कंसीडर्ड एज रेक्ट एंगल, यानी कि अगर हम बात करें हर एक वर्ग जो है वो क्या है, वर्ग होने के साथ साथ आयत भी है। यानी कि अगर हम बात करें स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्ट एंगल। तो यानी कि ये 20 की अगर हम बात करें तो ये 20 आपके स्क्वायर होने के साथ साथ रेक्ट एंगल्स भी हैं। तो यहाँ पे रेक्ट एंगल की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें, 60 मिलेंगे। नंबर ऑफ रेक्ट एंगल्स की बात करेंगे तो कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि प्रत्येक आपका जो वर्ग है वह तो एक आयत है, लेकिन प्रत्येक जो आयत है वह वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपके अगर हम बात करें कुछ ऐसे आकृतियां हैं जो कि क्या है, केवल और केवल वर्ग है।
लेकिन उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, रेक्टेंगल में भी कंसीडर करेंगे और साथ ही साथ वो क्या होंगे, स्क्वायर्स भी होंगे। तो रेक्टेंगल में भी वो 20 को हम कंसीडर करेंगे और एज ए स्क्वायर भी हम क्या करेंगे, उनको कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंस की, तो जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी पे बेस्ड एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। चलिए इस आकृति में आपको बताना है, चलिए बताइए, वर्गों तथा आयतों की संख्या के बीच का अंतर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1 + 2 + 3 सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और यहां पे 1 + 2 + 3 सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 × 6 तो 36 क्या हो जाएंगे यहां पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम बात करें यहां पे केवल वर्गों की, तो हमें पता है कि कितना, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी कि 14 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे हो जाएंगे जो कि केवल वर्ग है, लेकिन इनको हम आयतों की संख्या में भी कंसीडर करेंगे। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 22 के बराबर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you.